आलू लच्छा कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर देखी और पाया कि कटोरी चाट बनाने के लिए हमें दो छननियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सभी के पास घर में एक जैसी दो छननी नहीं होती है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक ही छननी के साथ सिखाऊंगी कि लच्छा कटोरी चाट कैसे बनाई जाए। नमस्कार, मैं हूं उषा शर्मा और कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आलू लच्छा कटोरी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। तो आलू को आप पहले अच्छे से पील ऑफ कर लीजिए, धो लीजिए, और फिर उसके बाद इसको आप कद्दूकस कीजिए। ट्राई कीजिए कि एक साइड को कद्दूकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि लंबे लंबे लच्छे बनेंगे। उसके बाद आप लच्छों को अच्छी तरह से पानी में धो लीजिए एक दो बार में। बस इसका जो स्टार्च है ना, वो चला जाना चाहिए। जब साफ पानी आ जाए तब आप साफ पानी के अंदर डालिए एक चम्मच हल्दी पाउडर का। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ हल्दी पाउडर ही डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने से क्या है ना कि हमारी कटोरी चाट में कलर बहुत बढ़िया आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है। तो अब क्या करना है कि धोए हुए लच्छे को हल्दी वाले पानी में डिप कर देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, जिससे कि इनमें कलर अच्छे से आ जाए। और आधे घंटे के बाद ये देखिए, अब इनमें बढ़िया सा कलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हें अच्छे से निचोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसको निचोड़ना है। तो सारे लच्छे को आप इसी तरह से निचोड़ लीजिएगा, बिल्कुल भी इनके अंदर पानी ना रहे। ये देखिए बिल्कुल सूखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक साइड को मैं थोड़ा सा इसमें लच्छे अलग कर रही हूँ और इसके अंदर डाल रही हूँ एक चम्मच अरारोट का। आप चाहें तो कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हो, और आप चाहे तो पूरे लच्छे के अंदर इकट्ठे भी डाल सकते हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरह से बनाने से क्या है ना, मुझे आसानी लगती है और पता भी चल जाता है। थोड़ी कमी पैसी रहेगी तो हम फिर और भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा सा स्टार्च कम लग रहा है तो मैंने थोड़ी सी इसमें अरारोट और डाल दी। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टार्च इसमें नहीं डालना है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हमने इसे डाला है। और अब हमें चाहिए छननी। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि इसके लिए हमें दो छननी चाहिए और दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अब भाई, सबके घर में तो दोनों छननी एक जैसी नहीं होती। पहले मेरे पास भी नहीं थी, मैं भी बाजार से लाई। फिर मैं सोची कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व मैंने कर दी है, आप वीडियो को पूरा देखिए। दो छननी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ बड़े वाली छननी ली है, आप चाहे तो छोटी छननी से भी बना सकते हो। तो छननी को आपको पहले क्या करना है, तेल के अंदर डिप कर लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो लच्छे हैं ना, वो चिपकेंगे नहीं। पहली बार ही ऐसा करेंगे, दोबारा हमें इसे डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम जैसे जैसे फ्राई करते जाएंगे ये अपने आप तेल के अंदर डिप होती जाएगी। तो बस आप इसे इस तरह से देखिए, लच्छे को स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं फैलाने हैं। तो ये देखिए, जब आप एक कटोरी चाट बनाएंगे ना, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ बड़ी छननी ली है ना, तो हमें चाहिए बड़ी कटोरी। कटोरी को भी आप पहली बार इस तरह से तेल से ग्रीस कर लीजिए, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, इसे थोड़ा सा हम इस तरह से हल्का सा नीचे को प्रेस करेंगे, जिससे कि कटोरी की इसमें शेप बन जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रेस करना है। और अब क्या करेंगे कि गर्म तेल के अंदर इसे डिप कर देंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ तेल भी नहीं हो, मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पतले हमारे लच्छे होते हैं। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपको कटोरी को 1-1.5 मिनट के लिए दबा कर रखना है, जिससे कि कटोरी ऊपर ना उठे। तो मैं चिमटे के साथ इसे दबा रही हूँ। अगर ये ऊपर को उठ जाएगी ना कटोरी, तो क्या है, फिर कटोरी की शेप नहीं बन पाएगी और आपके लच्छे इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहली बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, टेंशन मत लीजिए, दोबारा आपको अपने आप पता चल जाएगा। वैसे बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए, दो छन्नी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, 2 मिनट के बाद हमारे जो लच्छे हैं ना, अच्छे से नीचे से पक गए हैं। तो कटोरी को हम उठा लेंगे, कपड़े के साथ मैं उठा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटोरी गर्म होती है, तो ध्यान रखिएगा। और कटोरी को उठाने के बाद अगर आपको लगे कहीं से लच्छे कच्चे हैं, तो आप इस तरह से इन्हें फ्राई कर सकते हो। वैसे अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, कच्ची नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। तो अब इसको पलटना है, देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये निकल जाती है और बहुत ही मज़ेदार चाट बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, हमें दो छन्नी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक बटन को अभी से दबा दीजिए। और अब बनाते हैं चाट। तो चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ उबले हुए लिए हैं चने।
आप चाहें तो उबले हुए मटर भी ले सकते हो, और ऊपर से डालेंगे फेंटा हुआ दही। दही के अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। खट्टी मिट्टी इसमें हम डाल देंगे चटनी, गुड़ और इमली की बनी हुई जिसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है। हरी चटनी भी डाल देंगे, और ये है घर की बनी हुई टिक्की। तो टिक्की की भी मैंने रेसिपी डाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो घर की बनी हुई चीज़ है, आप ट्राई कीजिए। देखिए चटनियाँ भी घर में बनी रहती है, दही भी होता है, आलू भी होते हैं, तो बिल्कुल आसान है। और जो दो छन्नियों वाली प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है ना। तो ट्राई करोगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, और पापड़ी भी डाल देते हैं। तो देखिए चाट को तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। आप चाहें इसमें काली मिर्च डालिए, हरी मिर्च डालिए, ये आपके ऊपर है। तो थोड़े से मैं डाल दूंगी सेव। अगर आपके पास इस तरह की आलू भुजिया नहीं है तो आप दूसरी नमकीन भी डाल सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी हमारी आलू लच्छा कटोरी चाट बनती है। और देखिए देखने में तो है ही मस्त, इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे तो सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कीजिएगा प्लीज। और हाँ, बहुत से दोस्तों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, तभी मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मैं जल्द ही मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।